जंगलों में कुछ जमीनें ऐसी होती हैं जहां हर पेड़, हर जानवर और जंगल की आवाज को बचाने की कसम ली जाती है। इन्हीं जगहों को हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व। पर इन तीन में फर्क क्या होता है और वो फर्क इतना जरूरी क्यों है, चलिए जानते हैं। स्वागत है आपका द वाइल्ड लाइफ स्नैपशॉट्स में। यह तीन कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट्स जंगलों को बचाने की कोशिश है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस और नियम अलग अलग है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को समझने से पहले हमें बायोस्फीयर रिजर्व समझना पड़ेगा। बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़े कंजर्वेशन मॉडल है। यह कॉन्सेप्ट भारत का नहीं बल्कि यूनेस्को का है, जिसे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम कहा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व का आकार बहुत बड़ा होता है और इनका मकसद सिर्फ संरक्षण नहीं बल्कि संतुलन भी होता है, यानी जहां जंगल भी बचे और इंसानी जरूरतें भी पूरी हो। बायोस्फीयर रिजर्व को तीन जोन में बांटा जाता है। सबसे अंदर होता है कोर जोन, जहां किसी भी इंसानी गतिविधि की इजाजत नहीं होती। उसके बाद होता है बफर जोन, जहां साइंटिफिक रिसर्च, एजुकेशन और मॉनिटरिंग होती है। और आखिर में होता है ट्रांजिशन जोन, जहां सस्टेनेबल खेती, मछली पालन और लोकल कम्युनिटी का जीवन चलता है। इनका उद्देश्य है नेचर और ह्यूमन डेवलपमेंट के बीच एक समझदारी भरा रिश्ता बनाना, संरक्षण और विकास दोनों को साथ लेकर चलना। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तीन राज्यों में फैला है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। इसमें बांडीपुर नेशनल पार्क, वायानाड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और साइलेंट वैली नेशनल पार्क जैसे हिस्से आते हैं। मध्य प्रदेश का पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व एक और उदाहरण है, जिसमें सतपुड़ा नेशनल पार्क और दो वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी शामिल हैं। यानी एक ही बायोस्फीयर रिजर्व में आपको नेशनल पार्क भी मिल सकते हैं और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी भी। अब आते हैं उस संरक्षित क्षेत्र पर, नेशनल पार्क। यहां जंगल अकेला सांस लेता है। आपने ये नाम जरूर सुने होंगे, जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड में स्थित भारत का पहला नेशनल पार्क था, या फिर असम का कजीरंगा नेशनल पार्क, जहां इंडियन राइनो की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है, या गुजरात का गिर नेशनल पार्क, जो एशियाटिक लायन का दुनिया में आखिरी घर है। इन जगहों में कंजर्वेशन का मतलब होता है जीरो ह्यूमन इंटरफेरेंस। रिसर्च और टूरिज्म होता है, लेकिन बस बफर जोन तक। कोर जोन में कोई दखल नहीं होती। यहां पर किसी भी मानवीय दखल को केवल सरकार नियंत्रित कर सकती है, और वह भी बेहद सीमित क्षेत्रों में। यहां टूरिज्म केवल उन जोन में होता है जहां से वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब ना हो। और अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी की। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी एक ऐसी जगह होती है जहां जानवरों को सुरक्षा तो दी जाती है, लेकिन इंसानों को पूरी तरह उस एरिया से बाहर नहीं किया जाता। यहां सीमित मात्रा में लिमिटेड ग्रेजिंग, रिलीजियस विजिट्स या इको टूरिज्म की अनुमति हो सकती है, बशर्ते कि इससे जानवरों की जिंदगी में खलल ना पड़े। भारत में ऐसी सैकड़ों वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं, कुछ जैसे गुजरात की खिजड़िया बर्ड सैंक्चुरी, जहां प्रवासी पक्षियों का मेला लगता है, कुछ जैसे कर्नाटक की भद्रा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जहां टाइगर और गांव के लोग एक ही लैंडस्केप में रहते हैं बिना एक दूसरे से टकराए। ये वो जगह हैं जहां इंसान और जंगल का संतुलन बहुत नाजुक होता है, और उसी संतुलन को संभालना असली कंजर्वेशन है। अब अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें तो फर्क साफ हो जाता है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में इंसानों की सीमित गतिविधि होती है,
नेशनल पार्क में कोई इंसानी दखल नहीं होता और बायोस्फीयर रिजर्व में इंसान और जंगल एक ही जमीन पर रहते हैं, लेकिन एक अनुशासन के साथ। आज भारत में 106 नेशनल पार्क, 566 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये सिर्फ जंगल नहीं बचा रहे, हमारी हवा, पानी, मिट्टी और उम्मीद भी बचा रहे हैं। हर बार जब कोई पेड़ बचता है, हर बार जब कोई जानवर बेखौफ जंगल में चलता है, हर बार जब कोई बच्चा पहली बार जंगल की आवाजें सुनता है, तो कहीं ना कहीं इन संरक्षित क्षेत्रों का योगदान होता है। अब जरूरत बस इतनी है कि हम उन्हें जाने, समझे और अपना समझकर उनकी हिफाजत करें। कमेंट में हमें बताइए, आपने अब तक भारत की कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क देखा है और वहां की कौन सी बात आपको आज भी याद है। जल्द ही मिलेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ, सिर्फ द वाइल्ड लाइफ स्नैपशॉट्स पर। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।